ज़रूरत है, लेकिन वो भी हिम्मत के मुताबिक, वाहियात नहीं। मेरी भी दावत थी, वहाँ पहुँचे तो 30 मौलवी खड़े सड़क में। वहाँ क्या बात है, क्यों खड़े? अगजिर देख लो। वहाँ जो देखा तो बीच में रंडियाँ नाच रही, रंडियाँ, और इधर खड़े होकर के खाना खा रहे, और इधर मौलवियों के लिए खाने का इंतजाम हो रहा। मैं कहा उनसे, मैं क्यों खड़े आप लोग, अरे तेरा इंतजार कर रहे थे। चलो तो आ गया, और जोर से बोलना तो वो आया भागा। मौलवियों के लिए तो मैं दस्तरखान बिछा रखा, बढ़िया खाना वही है। मगर शैतान के दाता तो हमसे यूँ कहलवाएगा कि जहाँ रंडिया नाच रही थी वहाँ मौलवी खाने खा रहे थे, हमें बदनाम करके छोड़ेगा। हम ऐसे खाने के ऊपर, ऐसे अमीर आदमी के किनारे बैठने पर हर गिज परवाह नहीं करते कती तौर से। और बहुत ही इसरार किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 100 मौलवी वापस हुए, जिसके नतीजे में घर घर उन मौलवियों के माफ़ी मंगवाता फिरा हो। तो अगर हमें जिंदा रहना है, अल्लाह की आयत जो मैंने पढ़ी, वमा हाज़िहिल हयातु दुनिया इल्ला लहू वलाइब, तुम्हारी ज़िंदगी के दो ठिकाने, एक ठिकाना दुनिया है, एक ठिकाना आखरत है। जितना किसी को जहाँ रहना होता है उतनी वो तैयारी करता है, भाई या नहीं? अब हम लोग आए थोड़ी देर में चल देंगे, कोई तैयारी की किसी को ज़रूरत ही नहीं, अपनी सवारी से आए, अभी अपनी सवारी से चले जाएंगे। लेकिन जो हजरात यहाँ के रहने वाले हैं, वो तो मकान भी बनाएंगे, खाने पीने का सामान भी करेंगे, खेतियाँ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, चाहे चलते कल को हो जाए, लेकिन सामान सब कुछ करना पड़ेगा। क्यों यहाँ रहना है? यहाँ रहने के बारे में कुरान कहता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी बिल्कुल एक खेल कूद की तरह है। वो इन दार आखिरा, और आखिरत की जो ज़िंदगी है वो ऐसी ज़िंदगी के कभी ख़त्म होगी ही नहीं। लाख करोड़ अरब खरब कभी कोई गिनती कर ही नहीं सकता। जो वहाँ पैदा हो गया बस वो पैदा हो गया, और वहाँ के मज़े या वहाँ के दूसरे मज़े दोनों हमारे आपके सबके सामने हैं। कुरान की एक आयत थोड़ी सी बता करके मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, वो इन दार आखिरत लहियल हयवान, उस हमेशा की जिंदगी में थोड़ी सी में हिसाब किताब होगा। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयकूल हाउम उक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। कान खोल करके सुन लो, इस जिंदगी का एक एक लम्हे का सवाल हिसाब होगा। ये फरिश्ता बैठा है यहाँ, हर बात नेक लिख रहा, ये फरिश्ता बैठा हर बुराई लिख रहा, ये दाढ़ियों जो मेरे सामने बैठे ये दाढ़ियाँ कटी हुई सारे लिख रहा कि फला वक्त में दाढ़ी कटवाई, फला वक्त में कहेंगे, फला वक्त में नमाज छोड़ी, फला वक्त में दूसरे के खेत से मशीन काट ली, ये तमाम चीज़ें। वह अम्मा मन ऊतिया किताबें हूँ बिशिमाली ही फयकूल या ले तनी लमूता किताबें, जिनके नामाए आमाल दाहिने हाथ में मिलेंगे वो लोग होंगे जो नेक होंगे, भलाई काम करने वाले होंगे वो। और एक बात और सुन लो, सारे अनपढ़ और पढ़े हुए अपने अमाल नामों को सारे पढ़ेंगे, नेक भी और बद भी सब पढ़ेंगे, सब पढ़े हुए होंगे वहाँ। वो अपनी किताब पढ़ेगा बेहतरीन, और लोगों को कहेगा हाँ मुकरो किताबिया, ऐ लोगो आओ तो मेरे किताब पढ़ के तो देखो मेरी किताब कैसी है। आप लोग सब जानते हैं कि खुशी की चिट्ठी को 10 जगह आदमी पर दिखाता फिरता है, वो लोगों को आवाज़ देगा और कहेगा चौधरी साहब सुनते रहो, जो कह रहा ही ना देखो, जो मैं कह रहा हूँ उसे देख ले दाढ़ी की बात। और यूँ कहेगा कि होश करके देख ले हिसाब में, इन्नी जनंतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मेरा यकीन था
कि अल्लाह से मुलाकात होगी और सारी करनी धरनी साधी सब सामने आवेगी। है यही कानून कुदरत का अटल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, जो यहाँ बोएगा आज काटेगा कल। तो वो किताब अपनी पढ़ करके दिया, वो एक बेहतरीन आराम के साथ में जिंदगी गुजारेगा। वो अम्मा मन होते किताबों में सी माली ही, और जिनके आमाल नामा पाए हाथों में मिलेगा, पहले तो आमाल नामे को लेने का नहीं, लेकिन फरिश्ते उसे मार करके किताब देंगे, ये तो लेना पड़ेगा। उस किताब को ले करके ये कहेगा, या लैतनी लम उत किताबिया, जब पढ़ेगा मैं तो नमाज ही छोड़ी थी। नहीं भाई नहीं, बयान सुनिए, जब पढ़ेगा मैंने तो नमाज भी नहीं पढ़ी थी, जब पढ़ेगा मैंने तो फला चोरी की थी, जब पढ़ेगा मैंने तो फला जुल्म किया था, वो तमाम चीजें जब पढ़ेगा तो यूं कहेगा, या लैतनी लम उत किताबिया, हाय अफसोस मुझे ये किताब मिलती, ये किताब मेरे सामने ही आती ना आती, और वलम अदरी मा हिसाबिया, मैं हिसाब को जानता ही नहीं तो बेहतर था। बस मेरी इतनी गुजारिश है हजरात से, अल्लाह के वास्ते अपनी किताबें बढ़िया लिख लो, बढ़िया लिखवा लो, घटिया किताबों से डर जाओ, अल्लाह से डरो। बार बार कुरान कहता है, अय्युल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह आमनुत्तकुल्लाह आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो बार बार। इसलिए आप हजरात से बस इतनी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते शादियां करो तो सादगी से, और जिंदगी गुजारो तो सादगी से। अल्लाह मुझे भी और आपको भी आखिरत का फिक्र।